फ्रेंड्स, तो हमेशा की तरह मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए मेहंदी का ब्लॉग लेकर। तो धूल और प्रदूषण से बचना है तो मास्क लगाना है जरूरी। मालूम है तेरे बाप को मास्क अच्छा। घर से निकलने से पहले मैं काफी सारे वीडियोस बना रही थी तो मेरी मम्मी मुझे कब से घूर घूर के देखे जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और काफी सारी नानुकुर करने के बाद अब फाइनली मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही है। फ्रेंड्स, आजकल जहाँ देखो वहाँ पार्लर, हर 10 कदम में पार्लर खुला हुआ है। भूख तो पहले से ही लगी हुई थी, ऊपर से इतने सारे फल। तो काफी दूर तक पैदल चलने के बाद अब ऑटो मिल गई है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ये लड़की कौन है? इसने मेरी यूट्यूब पर सारी वीडियोस देख रखी है। तो मेरी बहन को लगी थी काफी ज्यादा भूख, तो इसलिए हम लोग अभी समोसे खाने आए हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फ्रेंड्स, अभी दीदी के घर से जो हमें लेने आने वाले हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं और यहाँ पे नजारा काफी अच्छा था तो हमने सोचा क्यों ना तब तक घूम लिया जाए। वैसे तो ये हमारे शहर में ही है पर आज मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ तो इसलिए घूमने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पहुंचने ही वाले हैं और इधर की रोड इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं आप लोगों से बता भी नहीं सकती, इतनी ज्यादा खराब थी। तो दीदी ने डेकोरेशन छत पे करवाया हुआ था तो अब मेहंदी भी तो छत पे ही लगानी पड़ेगी। शुरू भी कर दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट ने वेट ना कराया हो। तो यहाँ पे दीदी अभी मेहंदी लगवाते हुए चश्मा लगा के फोटो शूट करवाने की तैयारी कर रही हैं। मैंने फ्रंट हैंड की मेहंदी की शुरुआत पीकॉक बनाते हुए की है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को स्टार्टिंग डिजाइन कौन सा। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था मेहंदी कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथ की अच्छी सी फोटो लूंगी पर दीदी इतना ज्यादा हिल रही थी कि आधे से ज्यादा मेहंदी तो निकल चुकी थी। पर फिर भी मैंने कुछ फोटोज ली थी जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रंट हैंड की मेहंदी कंप्लीट करने के बाद अब मैं पैर की मेहंदी शुरू कर रही हूँ।
यहाँ पे दीदी के पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अभी बैक हैंड की मेहंदी तो बची हुई है, पर मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो इसीलिए पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद ही मेहंदी लगाऊंगी। तो अब खाना खाने के बाद मैंने बैक हैंड की मेहंदी लगाना शुरू किया है और छत में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इस वजह से हमें नीचे आके मेहंदी लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इसलिए क्योंकि यहाँ पे चेयर नहीं है और मेहंदी लगाने के लिए चेयर सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है। और फ्रेंड्स, अब दीदी की ऑल टोटल मेहंदी कम्प्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, दीदी की मेहंदी कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग दीदी के घर से निकल रहे हैं। तो अभी मेरी बहन का मॉल घूमने का बड़ा मन हो रहा है, तो अभी हम लोग मॉल जाएंगे। तो ये रहा विशाल मेगा मार्ट। तो फ्रेंड्स, मुझे तो मॉल में ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं लेने वाली हूँ। अब बहन तो ढूंढ रही है, शायद हो सकता है उसे कुछ पसंद आ जाए। तब तक मैं शीशे में स्टाइल मार लेती हूँ बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।